सो गाइस, ये जो आप हमारे सामने गाड़ी देख रहे हो ना, ये है आपकी होंडा की SP125। वो भी आप सायरन ब्लू कलर में देख पाओगे। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको बहुत ही ज्यादा रिफाइंड देखने को मिलेगा। साथ साथ ये आपको माइलेज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये गाड़ी का जो सेलिंग है, मतलब जो बिकती है हर साल, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको सेलिंग देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। क्या अभी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है, कितने का आप माइलेज निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन को देख पाओगे, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा साफ देखने को मिलता है। आपको एक अच्छे डिजाइन में देखने को मिलेंगे। 125 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो आपको एग्रेसिव डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, कहीं भी डीआरएल के पॉइंट नहीं देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर जो मिलता है, जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही दिए गए, ये पार्ट आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में रखा गया है। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर मिल जाएगा, और दोनों साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर और आपको स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर के आपको स्टिकर देखने को मिलते हैं। नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, ट्रेबल भी आपको अच्छा खासा दिया गया है, पतले सस्पेंशन मिलते हैं, बट जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आपको कहीं से भी पता नहीं चलने वाला है। आप मडगार्ड देखोगे, जो कि आपको टोटली फाइबर में दिया गया है। ग्लॉसी सायरन ब्लू कलर के आपको यहाँ पे यूज देखने को मिलेंगे। दोनों साइड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और ये आपका टॉप मॉडल है, जिस वजह से फ्रंट में आपको 240 mm के आपको यहाँ पे डिस्क दिए गए। नीचे वाले में जाओगे तो यहाँ पे आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम के ऑप्शन मिल जाएंगे। टायर की ओर देखा जाए, अफकोर्स आपको MRF कंपनी की तरफ से टायर मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर दिए गए, 80/100 सेक्शन के इसमें आपको टायर दिए गए, और यहाँ पे आपको 18 इंचेस के आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। जब गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ से इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हो। ये जो टैंक वाला पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा आपको मस्कुलर देखने को मिलता है, और ये जो टैंक काउल है, ये भी आपको थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, जिस वजह से आपको मस्कुलरनेस आपको ज्यादा मिल जाएगा। बीचों बीच में ये पार्ट देखोगे, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर का यूज किया गया है। इधर आपको सायरन ब्लू कलर देखने को मिलेंगे। होंडा का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मेंशन किया गया है। इधर आपको फेक कार्बन के यूज देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आप इसका स्टिकर देख सकते हैं, जो कि आपको टोटली स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर में आपको स्टिकर मिल जाएगा। साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के भी आपको स्टिकर दिए गए। टैंक आपको 11.2 लीटर का मिल जाएगा। साथ साथ ये जो पार्ट है, जो कि आपको टोटली मेटल के साथ दिया गया है, गाड़ी अफकोर्स आपको E20 को सपोर्ट करने वाली है। सीट की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस सीट दिया गया है, 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते हो, और जो फैमिली है उसे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सीट काउल देखोगे तो ये जो स्टिकर है आपको टोटली पीछे तक आपको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सिंगल पीस आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएगा। जस्ट नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ दिया गया है। साइड पैनल आप यहाँ पे देखोगे, जहाँ की आपको SP125 को मेंशन किया गया व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ की आपको ESP का आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है, जो कि आपको टेक्नोलॉजी इसके इंजन में यूज किया गया है। अच्छी बात यह है कि TVS रेडर से किक स्टार्ट को हटाया गया, बट SP125 में अभी भी आपको किक स्टार्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो, जो कि आपको पिलियन का फुटेज और ये आपको राइडर का फुटेज दिया गया है। सिंगल बैरल आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलता है। ऊपर में आपको यहाँ पे प्रीमियमनेस के लिए आपको टोटली क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन की ओर आओगे तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, 130 mm के दिए गए, और यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि रियर टायर है, जो कि आपको 100/80 सेक्शन के किए गए। जब से इसका मोटाई बढ़ाया गया, उसे जो गाड़ी का स्टेबिलिटी है वो भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ की आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको टेल लाइट देखने को मिलता है। जब भी आप ब्रेक को अप्लाई करोगे, इल्यूमिनेशन अफकोर्स आपको यहाँ से ज्यादा मिल जाएगा। इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा, और इसके नीचे आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब भी दिए गए, और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। लेफ्ट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको सारी कार के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेडीज फुटेस्ट भी दिया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे जो कि आपको फाइबर बॉडी के यूज किए गए, इससे जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपका ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। चेन जो दिया गया है, जो कि आपको टोटली कवर दिया गया है, यहाँ पे आपको टोटली फाइबर के यूज देखने को मिलेंगे। टायर में क्या हवा रखना है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। चेन आपका कितना ज्यादा लूज रखना है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है। आप देखोगे जो कि आपको मिडिल स्टैंड और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड भी दिए गए हैं। साइड स्टैंड में आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कटअप सेंसर मिल जाता है, और इस गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर के आपको ट्रांसमिशन दिए गए हैं। 125 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो इसका आप यहाँ पे मीटर कंसोल देखोगे, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में दिया गया है, और आपको यहाँ पे फीचर्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ए आप देख सकते हो, जो कि आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिए गए, डिजिटल में आपको यहाँ पे क्लॉक मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको गियर पोस्ट इंडिकेटर भी दिया गया है, मतलब कि आप गाड़ी कौन से गियर में चला रहे हो वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला है। इसे मैं ऑफ करके फिर से ऑन करूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलेंगे। ऊपर में आपको यहाँ पे ओडोमीटर दिया गया है, और इसे टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बटन मिलता है। इस वाले बटन को जब दबाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको ट्रिप 1, फिर से दबाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रिप 2 मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो।
जो कि गाड़ी आपको माइलेज क्या दे रही है वो भी आपको बताने वाली है। एवरेज स्पीड क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ट्रिपोन में। और एक और आपको एडवांस फीचर्स इसमें ये मिलता है कि यहाँ पे आपको रेंज के ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब कि आपके टैंक में कितना ज़्यादा पेट्रोल बचा हुआ है और आप कितने दूरी तक जाओगे वो आपको यहाँ पे किलोमीटर दिखाने वाला है। ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड स्टैंड लगे हैं उसके लिए आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। और ये जो लाइट दिया गया जो कि आपको इको मोड में दिया गया है, इस मोड में जब भी आप गाड़ी को चलाओगे उस वक्त आपको जो माइलेज है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। की आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको दो की मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिक सा की दिया गया है। होंडा को आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, बीचों बीच आपको यहाँ पे होंडा के लोगो मिल जाएंगे जो कि आपको रबर फिनिश के साथ दिया गया है। स्विचेस की ओर देखा जाए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट टर्न राइट टर्न का स्विच या आपको हॉर्न का स्विच सिंगल हॉर्न ही मिलेंगे। और यहाँ पे आपको लो बीम, आपको हाई बीम और यहीं पे आपको पासिंग के बटन दिए गए हैं। इस साइड देख सकते हो जहाँ कि आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन और यहीं से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। साउंड को आपको मैं चेकआउट कराता हूँ। गाइज अभी जस्ट आपने इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को सुना, बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा रिफाइनमेंट देखने को मिल जाएगा। और गाइज इसमें जो इंजन दिया गया है जो कि आपको 124.5 सीसी के देखने को मिल जाएंगे, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व के साथ दिया गया जो कि आपको एयर कूलिंग को सपोर्ट करने वाली है। माइलेज अप्रोक्स आप देखा जाए तो 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का आप माइलेज आराम से निकाल पाओगे। वैसे इस गाड़ी का मैंने माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। टॉप स्पीड लगभग आपको 100 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। और इंजन से जो पावर मिलता है 10.7 पीएस का पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का एक गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। सिटी में राइड करने में आपको कहीं से भी लैग नहीं देखने को मिलता है, आपको अच्छा इंजन देखने को मिल जाएगा। वही सब कारण की वजह से एक गाड़ी का जो सेल है वो हमेशा टॉप पे रहती है। और लास्ट में अभी इस गाड़ी का मैं आपको प्राइस बताता हूँ। अभी फिलहाल देखा जाए जो कि मैं होराइजन होंडा कोकर रांची पे हूँ और यहाँ का इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है जो कि आपको 1,06,000 रुपीज रखा गया है। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने कहा जिस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तब वो सब कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।